बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने लगे हैं कपकेक्स। उसके लिए हमने 2 कप मैदा लेंगे। नॉर्मल 300 ml का जो कप होता है चाय का, वो वाला कप हमने 2 कप मैदे के लिए, 2 कप मैदे के डाल दिए हमने। टीस्पून हमने लेना है बेकिंग पाउडर के लिए। लेवल करके 3 टेबल टीस्पून जो है हमने बेकिंग पाउडर के डाले, बिल्कुल लेवल करके इसको हम छान लेंगे। 6 हमने अंडे लिए हीटर के बाउल में और जर्दी हम अलग कर लेंगे। अंडों की सफेदी हमने डाली, अब हम इसको बीट करेंगे और जर्दी हमने अलग कर ली थी। वन टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे। इतना बीट करने के बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके पिसी हुई चीनी डालते जाएंगे। हमने पिसी हुई चीनी 1 कप ली थी। 5 मिनट बीट करने के बाद, वनीला एसेंस डालने के बाद, हमने वही सेम कप लिया जिसे हमने मैदा 2 कप मैयर किया था। अब हम 1 कप उसमें पिसी हुई चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और ये बीट होता रहेगा। दस मिनट बीट करने के बाद सफेदी की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें बंद करके बीटर को हम इसमें जर्दी डाल देंगे और बीटर चला के इसको बीट करेंगे। 15 मिनट टोटल हमने बीट कर लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको चला के आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1/2 कप वही कप जिसे हमने मैदा और चीनी मैयर की थी, वही हमने 1/2 कप इसका तेल का लिया है और बीट होने के दौरान ही हमने इसमें तेल डालना है। मज़ीद 5 मिनट हमने ऑयल डाल के बीट किया। उसके बाद हम इसको बीट होने के दौरान ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते रहेंगे जो हमने छान के रखा हुआ था। मैदा हमने डाल लिया। उसके बाद हम इसको इसका बैटर देखेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी तो हम 4 टेबल स्पून दूध, फ्रेश मिल्क, फ्रिज वाला, गर्म नहीं फ्रेश मिल्क, उसका फ्रिज वाला लेंगे, उसको यूज़ करेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि ये जब हम ऊपर से गिराएंगे तो ये इस तरह से इसकी जो है वो शेप बनेगी और ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसको कपकेक ट्रे में डालेंगे। ट्रे की ऑयलिंग हमने कर ली है। अब हम इसमें बटर पेपर के कप्स डालेंगे ताकि हमें इजीली एज इट इज़ सर्व करने में आसानी हो बेक होने के बाद। फुल नहीं भरना, हाफ भरना है ताकि ये बेक होने के बाद ऊपर तक आ जाएंगे। ट्रे में हमने सारे डाल दिए हैं बैटर। अब हम प्री हीटेड ओवन में, जो हमने 15 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख लिया था, उसमें हम डालेंगे 120 डिग्री पे। हम 20 मिनट के लिए हम इनको बेक करेंगे। 20 मिनट के लिए हम इनको बेक करेंगे। मैंने इन सब पे, यहाँ पे मैंने कोका पाउडर डाला, एक एक चुटकी ड्राई ही डाला और उसको टूथपिक से मैंने इस तरह फैला दिया। यहाँ पे मैंने रेड जेल फूड कलर डाला और उसको इस तरह कर दिया। यहाँ पे मैंने ग्रीन जेल कलर डाला और उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ड्रॉप सेंटर में डाल के टूथपिक से ये फ्लावर सा बना लिया। ओवन में रखेंगे बेकिंग के लिए। देखें, ये हमारी बेक हो चुकी हुई हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम था इसका, और ये नीचे से भी बिल्कुल सही बेक हो गई हैं। ये देख लीजिए, इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद अगला प्रोसीजर करेंगे, इनको ठंडा करके हम फिर डेकोरेशन करेंगे इनकी। 1 कप जितनी हमने क्रीम निकाल ली है। इसको हमने उतनी देर बीट करना है जितनी देर में ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाए और हम बाउल को उल्टा करें तो वो गिरे नहीं क्रीम। बीट होने के दरम्यान में हम इसमें 1 पिंच, बिल्कुल 1 चुटकी सिट्रिक एसिड, जिसे टार्टरी कहते हैं, वो डालेंगे। उससे आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होती। पर क्रीम हमारी बिल्कुल ठीक बीट हो गई है। देखें, इसको उल्टा कर देखें, ये बिल्कुल नहीं गिर रही एज इट इज़ है। इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक बीट हो गई है।
हमारे खूबसूरत से और मज़ेदार से कप केक्स तैयार हैं। बनाइए, मेहमानों को दीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। थैंक्स।